ओपनिंग की है। राहुल गांधी का दक्षिण से चुनाव लड़ना इसे कांग्रेस का दक्षिण प्लान माना जा रहा है। हालांकि वायनाड सीट पर पिछले दो बार से कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन राहुल गांधी ने अब की बार वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला लेकर इस सीट को हॉट सीट में तब्दील कर दिया है। सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको मैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी। तो आज वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन फॉर्म भरा है। केरल की वायनाड सीट का इतिहास क्या है आपको बता दें, वायनाड 2008 में लोकसभा सीट बनी थी। वहीं दो बार हुए चुनावों में वायनाड में कांग्रेस ने ही जीत हासिल की है, कांग्रेस का पूरा कब्जा है वायनाड की सीट पर। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी एमएल शाहनवाज दो बार वायनाड की सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। 2009 में वायनाड सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था, 2008 में इसे लोकसभा सीट बनाया गया था, 2009 में भी कांग्रेस की जीत हुई और 2009 में लोकसभा कांग्रेस नेता एमएल शाहनवाज ने सीपीआई में, 2014 में कांग्रेस के शाहनवाज ने 410,703 वोट से जीत दर्ज करवाई थी। इसी के साथ अब की बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस का दबदबा इस सीट से देखा गया है। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव लड़ा। राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की जानकारी आपको दे रहे हैं। 2004 में अमेठी से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। इसी के साथ 2007 में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की कमान कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली। 2009 के लोकसभा चुनाव में कैंपेन की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी के कंधों पर थी और 2009 में राहुल गांधी अमेठी से फिर जीतकर लोकसभा में पहुंचे और 2013 में राहुल कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। तो राहुल गांधी का राजनीतिक सफर है ये, जहां 2014 में राहुल गांधी अमेठी से जीते लेकिन केंद्र से कांग्रेस सरकार बाहर हो गई और 2017 में राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। वायनाड की बात करें तो वायनाड का जातीय गणित कुछ इस प्रकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 8,17,420 है। वही पुरुष मतदाताओं की यहां संख्या 4,01,684 है। वही महिला मतदाताओं की बात करें तो आंकड़ा 4,15,736 पर जाता है। वहीं करीब 90% आबादी यहां साक्षर है और करीब 50% यहां हिंदू विचरण करते हैं। इसी के साथ 28.65% मुस्लिम कम्युनिटी का है वायनाड में। इसी के साथ ईसाई समुदाय की अगर बात करें तो उनका आंकड़ा करीब 21.34% है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे कम करीब 4% यानी कि 3.99% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो 18.53% अनुसूचित जनजाति है।